नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक को मिलेगा सरकारी आवास, टीचर बहाली में धांधली का सबूत देंगे मांझी। ललन सिंह का दावा, बीजेपी नेताओं पर नहीं रह गया पीएम मोदी को विश्वास। नीतीश तेजस्वी को गिरिराज सिंह की चेतावनी, मंत्री अशोक चौधरी की बड़ी भविष्यवाणी। पशुपति पारस का बड़ा बयान, चिराग बताएं किस पार्टी से मिलेगा टिकट। अमृत कलश के साथ बिहार के 1500 युवा दिल्ली रवाना, शहाबुद्दीन के बेटे को मोतिहारी पुलिस लेगी रिमांड पर। बक्सर में ठेकेदार के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, छपरा में इंटरनेट सेवा बहाल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार शिक्षक बहाली में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी से पास सभी शिक्षकों को सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा। इसकी तैयारी में बिहार सरकार जुट गई है। शिक्षा विभाग इसको लेकर रियल एस्टेट कंपनी के लिए विज्ञापन निकालेगा। स्कूल के पास बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट को लीज पर लेकर सरकार शिक्षकों को आवास देगी, ताकि शिक्षक बिना कोई परेशानी के लिए अपनी ड्यूटी कर सके। ऐसे में 5 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। दूसरे राज्य से भी शिक्षकों की बहाली की गई है, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। टीचर बहाली को लेकर जीतनराम मांझी ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है और इसका उन्होंने सीएम नीतीश और आयोग को सबूत भी सौंपे जाने की बात कही है। मांझी ने कहा कि राज्य ने जो शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी अध्यक्ष को इसकी शिकायत कर रहे हैं। इस मामले में बारीकी के साथ जाँच किया जाए। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को देश के 765 जिलों को 2.69 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 20 नवंबर से हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव श्रेणी के अधिकारियों को लगाया है। इसे लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आपत्ति जताई है। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अब अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए अब अधिकारियों को लगा रहे हैं। इसके साथ ही ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को भी फर्जी ज्योतिष बताया है। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं हिंदुओं के हक के लिए लड़ता हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। जब आएगा समय तो देखा जाएगा, लेकिन मैं इसका विरोध करता रहूंगा। जब जब हिंदू पर प्रहार होगा तो मैं इसका प्रतिकार करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गंभीर होती है तो बदले की भावना से हिंदुओं को जेल में क्यों भेजती। गिरिराज सिंह ने चेतावनी देकर कहा कि जल्द हमारा भी समय आएगा। मंत्री अशोक चौधरी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार जनता से वादा किए थे उन लोगों को रोजगार देंगे और महंगाई घटाएंगे, लेकिन जब से भाजपा आई है तभी से महंगाई और बढ़ी है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश और बिहार में जो काम कर रहे हैं उससे बीजेपी बौखला गई है। ऐसे में बीजेपी को जनता उखाड़ कर फेंकने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इसे लेकर अपनी मांग से भाजपा को अवगत कराया है। पशुपति पारस ने ये भी कहा कि वे अगले चुनाव में हाजीपुर संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अपने भतीजे चिराग को लेकर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर मेरा सीट है, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग का दल अब दलदल बन चुका है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हाजीपुर में रालोचपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हाजीपुर में रैली करने का उद्देश्य रामविलास पासवान की आत्मा की शांति देना है। भाजपा की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार से संग्रहित अमृत कलश को नई दिल्ली रवाना किया गया है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता पट्टा जंक्शन पहुंचे। कलश यात्रा का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी शामिल रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 9 अगस्त से शुरू मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 28,348 गांवों से हर घर की आंगन की मिट्टी लेकर 16,829 अमृत कलश में श्रद्धा पूर्वक रखा गया है। सिवान जेल में बंद पूर्व सांसद बाहुबली के बेटे ओसामा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रंगदारी और जमीन कब्जा करने के मामले में गिरफ्तारी, ओसामा
शहाब को अब मोतिहारी पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी करी। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि रानी कोठी मामले में उसामा को रिमांड पर लेगी। उसे 1 नवंबर को मोतिहारी लाया जा रहा है। मोतिहारी कोर्ट से आदेश मिल गया है कि उसामा पर मोतिहारी के नगर थाना में 1 अगस्त को अपनी बहन के घर पर अपने सैकड़ों समर्थकों को साथ ले जाकर मारपीट और तोड़फोड़ और गोलीबारी करने का आरोप है। बक्सर में बेखौफ बदमाशों ने एक ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की है। बताया जा रहा है कि रमेश शाह सरकारी बाइक स्टैंड की ठेकेदारी का काम करते हैं। बाइक स्टैंड की ठेकेदारी को लेकर उनका विवाद चल रहा था। गनीमत की बात रही है कि फायरिंग की इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छपरा में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा शुरू होते ही लोगों को बड़ी राहत मिली है। एसपी गौरव मंगला ने इसकी जानकारी दी है। बताते चले कि 27 अक्टूबर को छपरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना हुई थी। ऐसे में स्थिति को देखते हुए जिले में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।